हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ टेक गुरु सौरभ हिंदी चैनल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास एयरटेल का वाईफाई डोंगल है और उसका जो पासवर्ड है वो आपने सबको बता दिया है और आप उससे जो है परेशान हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अपने डोंगल का जो वाईफाई पासवर्ड है वो खुद से कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपके पास जो है डाटा केबल होना चाहिए और एक पीसी या लैपटॉप होना चाहिए जिसमें आपने लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डाटा केबल लेके आपने डोंगल में लगाना है और उस डाटा केबल को आपने सिंपली लैपटॉप के पोर्ट में लगा देना है। लगाने के बाद आपने लैपटॉप पर जो है गूगल ओपन करना है। जैसे ही लैपटॉप में आप गूगल ओपन करेंगे तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे आप टाइप करते हैं URL। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपने टाइप करना है 192.168.1.1 और इसको आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहां आपने जाना है सेटिंग में, सेटिंग ऑप्शन को आप ओपन करेंगे। तो जैसे ही मैं सेटिंग ऑप्शन ओके करेंगे, यहां पे आपसे मांगेगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद लॉगिन में क्लिक किया, नो थैंक्स में क्लिक किया और ओके कर दिया। तो जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे आपके सामने जो है आपका एयरटेल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने जाना है वैन में, ये आप सामने देख पा रहे होंगे, इस कॉलम में आपको जाना है। इसमें आप जाने के बाद जाएंगे वैन बेसिक सेटिंग, जो हमारा पहला ऑप्शन है। इस पहले ऑप्शन में हम जो है इसको ओपन करेंगे। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नीचे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है सो पासवर्ड। अगर मैं पासवर्ड को शो करता हूँ तो जो हमारा पुराना पासवर्ड है वो यहाँ से आ जाएगा। अभी हमने क्या है, इसका जो है पासवर्ड का नाम चेंज करना है और पासवर्ड भी चेंज करना है। या चाहे तो आप सिर्फ पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो जो होगा इसका नाम है वो इसका जो है ये एयरटेल का नाम है, जो हमारा डोंगल का नाम है, ये यहाँ पे हमारा जो होगा वो होगा पासवर्ड। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। पासवर्ड ऐड करने के बाद सिंपली आपने जो है अप्लाई में क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। तो जैसे ही अप्लाई में क्लिक करेंगे कुछ सेकंड के लिए आपको जो है वेटिंग आएगा। तो चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सामने जो इसका इंटरनेट जो है वाईफाई के थ्रू चल रहा था, जैसे ही पासवर्ड चेंज हुआ इसका जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। अब मैंने जो है वाईफाई में गए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है जैसे ही मैंने वाईफाई चेंज पासवर्ड का यहाँ पे ऐड किया तो हमारा जो है पासवर्ड चल गया है। अब मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ, सेटिंग, फिर इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे। इसको लॉगिन करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद वैन में जाएंगे, बेसिक में जाएंगे। अभी आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जितने डिजिट का पहले था वो उतना नहीं है, जो मैंने नया डाला है वो यहां पे आ चुका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।